हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोग कमेंट्स किए थे कि भाई कुवैत में 1 लाख रुपये महीने कैसे कमाएं, कौन सी जॉब में आएं, कैसे आएं, क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को बेसिकली उसी के बारे में बताएंगे कि कुवैत में आपको कौन सी जॉब में 1 लाख रुपये महीने सैलरी मिलेगी, कैसे आना है, कहाँ से आना है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे और कहां से आना है। अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमारे साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो और अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आपको अच्छी ऑफिस पर जाना पड़ेगा, जैसे कि मुंबई में एशिया पावर है, सिंकलस है, डायनेमिक है, नहीं तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा, चेन्नई में, तमिलनाडु में या केरला में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अच्छी मैन पावर कंसल्टेंसी मिलेगी, वहाँ से अगर आप आते हैं तो आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। मुंबई में और दिल्ली में जैसे कि एशिया पावर, डायनेमिक, सिंकलस, ये सब ऑफिस बहुत अच्छी हैं। यहाँ से आप यूरोपीय कंट्री में भी जा सकते हैं, नहीं तो आप गल्फ कंट्री में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आएंगे तो आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं होगा और ये सब मैन पावर कंसल्टेंसी है और जो कि इन ऑफिसों से हमारे कई फ्रेंड आए हुए हैं। और इन ऑफिसों पे जाने के लिए आप गूगल पे नेम सर्च करेंगे तो आपको पूरा मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा और जाकर के आप अपना इंटरव्यू विजिट कर सकते हैं। गाइस, इस समय बगैर इंटरव्यू का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको कुवैत आना है तो आपको इंटरव्यू विजिट करके ही आना है, नहीं तो अगर आप एजेंट से आते हैं तो एजेंट तो आपको बगैर इंटरव्यू का भी भेज सकता है, लेकिन तो कौन सा काम मिलेगा, कैसा रहेगा, धूप में रहेगा, अंदर का रहेगा, कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है विदेश भेजने के नाम पर, और आप लोगों ने कई वीडियो देखा होगा कि एजेंट लोग यहाँ पर भेजते हैं और आदमी यहाँ से आकर के यहाँ पे फंस जाता है और वीडियो बना करके शेयर करता है, रोता है यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको आना है तो मैन पावर कंसल्टेंसी से आना। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सी जॉब में यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये सैलरी मिलेगी। तो गाइस, अगर आप एज ए इंजीनियर कुवैत आते हैं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जानकारी है, 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको मैक्सिमम इंडियन मनी में 90 से 1 लाख रुपये सैलरी मिलेगी कुवैत में। क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर में भी आते हैं तो उसमें भी आपको 80 से 1 लाख रुपये सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी, उससे कमती नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे आपको सैलरी बढ़ती जाएगी, लेकिन तो उसके लिए एक्सपीरियंस मांगता है। क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होता है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आप बिल्कुल फ्रेशर रहेंगे, तो क्लाइंट जो आता है ना वो कन्फ्यूज हो जाता है कि आदमी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे कैसे काम करवाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो क्लाइंट को पता रहेगा कि हाँ, इसके काम के बारे में जानकारी है, कैसे काम करवाया जाता है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा तो क्लाइंट समझता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो, ठीक है। मेन चीज़ है एक्सपीरियंस, क्योंकि इस समय किसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगता है कि आदमी के पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अगर कुवैत आना चाहते हैं तो कम से कम 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आइएगा एज ए इंजीनियर। इसमें आपको 1 लाख रुपये कम से कम सैलरी मिलेगी, जैसे जैसे पुराने होंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और दूसरी जॉब है सेफ्टी ऑफिसर की। गाइस, कुवैत में सेफ्टी ऑफिसर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो भी वर्क होता है बिल्कुल सेफ्टी में होता है। फर्स्ट सेफ्टी होती है, उसके बाद काम होता है। अपने इंडिया में उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है सेफ्टी ऑफिसर को, लेकिन तो गल्फ कंट्री में, यूरोपीय कंट्री में फर्स्ट सेफ्टी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर यहाँ पर वर्क करते हैं, वर्कर जैसे यहाँ पर आए हैं वैसे ही उनको वापस उनके मुल्क भेजना है, यहाँ का गवर्नमेंट का ये रूल्स है। अपने इंडिया में क्या है कि सबसे पहले काम होता है, उसके बाद सेफ्टी होती है, लेकिन तो गल्फ कंट्री में, यूरोपीय कंट्री में फर्स्ट सेफ्टी, उसके बाद काम। आदमी सेफ रहेगा तभी तो काम करेगा, यहाँ का ये सब रूल्स है। तो यहाँ पे इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर की, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की और सेफ्टी इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। गाइस, इसमें जो सैलरी मिलती है तो कम से कम आपको इंडिया का 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिलेगी अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, लेकिन तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 या 3 साल का और निबोस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस समय किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट आ रही है तो निबोस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जिनके पास निबोस सर्टिफिकेट है वो इजीली कुवैत आ सकते हैं, और जो लोग सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं, निबोस का कोर्स करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं। उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है गल्फ कंट्री में, चाहे दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी हो, ओमान हो, हर जगह काफ़ी ज़्यादा डिमांड है निबोस सर्टिफिकेट का। और उसके लिए कम से कम आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सेफ्टी ऑफिसर में
गल्फ कंट्री में आते हैं तो ठीक है, और आपको सैलरी कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। और तीसरी जॉब है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड आप किसी भी जॉब में आ सकते हैं, चाहे डाटा एंट्री का हो या ग्राफिक डिजाइनर का हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, किसी भी जॉब में आप आ सकते हैं। उसमें भी आपको 80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक सैलरी मिलेगी, चाहे आप डाटा एंट्री का जॉब करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का जॉब करते हैं, लेकिन तो उसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी जॉब में अगर आपको कुवैत आना है तो सबसे पहले एक्सपीरियंस, बगैर एक्सपीरियंस का जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि क्लाइंट यही देखता है कि अगर आदमी के पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको जानकारी रहेगी, आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आदमी के पास इतना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले पेपर में लिख दिया जाता है 2 साल 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी आपको हाई सैलरी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है। अगर आप इंजीनियर हैं, गल्फ का एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक रुपये सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन तो उसके लिए गल्फ का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, उसमें आपको 80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक सैलरी मिलेगी। मैं आप लोगों को 3 जॉब के बारे में बताया, ये 3 जॉब में अगर आप एक्सपीरियंस लेकर के कुवैत आते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, तकरीबन नियर अबाउट 1 लाख रुपये महीने। तो काफ़ी लोग कमर्स किए थे तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो दोस्त आना चाहते हैं उनको आने से पहले जानकारी मिले। गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही होता है, आप लोगों को सजेशन देना, आप लोगों को जानकारी देना। और आने की बात हुई तो आप लोग अगर साउथ से आते हैं, जैसे कि चेन्नई, तमिलनाडु, केरला में जो ऑफिसें हैं वहाँ से आते हैं, तो 100% ट्रस्टेड ऑफिसें हैं, बहुत अच्छा काम करवाती हैं। और जो भी लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, तो साउथ से ही जाते हैं, नहीं तो मुंबई या दिल्ली जाते हैं। जैसे कि सिंकलस हो गया, डायनेमिक हो गया, एशिया पावर हो गया, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी है। वहाँ से अगर आप आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी कंपनी में जो मिल जाएगी। और जो भी चार्ज होगा वो आपका मैक्सिमम चार्ज होगा, जितना चार्ज ऑफिसों का बनता है उतना ही, आपसे एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे नहीं लगता है। तो वैसे वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि जो लोग कुवैत आना चाहते हैं उनको आने से पहले जानकारी मिले, और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि आपको कैसे आना है, कौन सी जॉब में आना है। आप लोगों को 3 जॉब के बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपको कहाँ से आना है, चाहे साउथ से आइए, चाहे दिल्ली या मुंबई से आइए। आप लोग नेट पर सर्च करेंगे ऑफिस का नेम तो आपको सीधे वहाँ पे लोकेशन और मोबाइल नंबर सब कुछ मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं और उसके थ्रू आप आ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।